क्या था ये, मैच था या कोई फुड्डा वड्डा चल रहा था? भाई साहब रियल किंग, भाई रियल किंग, भाई रियल किंग, विराट कोहली इज अ रियल किंग भाई। भाई दुनिया का सबसे बेस्ट बेस्ट प्लेयर जो है वह विराट कोहली है भाई। भाई 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 आज 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 साली अपनी फट गई जो है वो मैच देख के, भाई मेरी फट गई भाई आज पहली बार भाई। भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। आज मैं, आज मुझे पता है मुझे क्या याद आ रहा था, विराट कोहली के सेंचुरी के बाद दोस्तों कौन सी कसम पे आप लोग यकीन करोगे कि वो कसम मैं आप लोगों के आगे कहूं? दोस्तों अल्लाह के सिवा और मैं इतना बड़ा कोई नहीं है कि मैं उसकी कसम कहूं। भाई अल्लाह की कसम, जब विराट कोहली की सेंचुरी बनी मेरी आंखों से आंसू आए भाई। इतना बड़ा कसम कोई लांती आदमी खाता है झूठ बोल के। भाई मुझे अपने बच्चों की कसम भाई, जब विराट कोहली की सेंचुरी के बाद जो चक्के छक्के पड़ रहे थे भाई, एक सेकंड के लिए भाई मुझे मेरी आंखों से आंसू जैसे निकल आए भाई, मेरी आंखों में नमी आ गई भाई। मैं जस्ट क्या सोच रहा था भाई, मेरे आंसू क्यों निकल आए भाई? आपको पता है इसका रीजन क्या है, मेरे आज आंसू क्यों निकल आए भाई? मैं आप लोगों को बता नहीं सकता भाई। जब विराट कोहली इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच हो रहा था, तो विराट कोहली ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट ऐसे ही रन्स बनाए थे, तो भाई पूरा पाकिस्तान बोल रहा था कि अफगानिस्तान जो है वो मैच फिक्स करते हैं इंडिया के साथ, और विराट कोहली जो है उसका फॉर्म में आना वो सिर्फ अफगानिस्तान की टीम के अगेंस्ट ही होता है। ओह मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है, जिस जिसने हम पे बात की है, जिस जिसने अफगानिस्तान को बुरा बोला है, जिस जिसने अफगानिस्तान को मैच फिक्सर बोला है, जिस जिसने विराट कोहली को किंग नहीं माना है, आज मेरे परवरदिगार ने उन सब के मुंह पे छांटा मारा है, आज उन सबको बेइज्जत किया है, उनको अपनी मुंह की खानी पड़ी है। आज मेरे अल्लाह ने दिखा दिया कि देखो देखो ये अफगानिस्तान की टीम नहीं थी, ये आज श्रीलंका की टीम थी। आज विराट कोहली ने जो मारा भाई, और कॉन्ग्रेचुलेशन भाई 74th सेंचुरी बनाने के लिए और साथ में हाफ सेंचुरी, भाई साहब क्या बैटिंग थी भाई, क्या बैटिंग थी भाई। बस भाई आज मेरे पास बोलने को कुछ नहीं है, आज मैं इतना खुश हूं कि समझ में नहीं आ रहा कि आज मुझे ज्यादा हंसी क्यों नहीं आ रही है, आज मैं इतना ज्यादा खुश हूं दोस्तों। आज विराट कोहली की बैटिंग देख के भाई मैं कसम खा के बोलता हूं, भाई मैं कसम खा के बोलता हूं, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे भाई उसकी ये बैटिंग देखकर भाई। और भाई सो सैड श्रीलंका के दो प्लेयर्स के लिए कि विराट कोहली का जो फोर पड़ा उसको रोकने के लिए श्रीलंका के दो प्लेयर वो आपस में वो टकरा गए और वो इंजुरीड भी हुए। तो भाई हम दुआ करते हैं, प्रे करते हैं कि वो जल्द से जल्द दोस्तों कम बैक करे। देखने में नहीं लग रहा था कि वो उनको इतना ज्यादा चोट लगा होगा, लेकिन दोस्तों पता चला काफी ज्यादा चोट लगी है, गर्दन में भी लगी है। तो दोस्तों क्योंकि अब कैमरे में नहीं दिखता कि बंदा चोट उसको कहां ही होगी, लेकिन उन्होंने बॉल रोके, उन्होंने अपनी मेहनत पूरी की भाई। गॉड ब्लेस भाई श्रीलंका की टीम को भाई, जबरदस्त मेहनत की है उन्होंने। आज मेरा, मैं बहुत परेशान हुआ भाई श्रीलंका की टीम को, लेकिन समझ में नहीं आ रहा साला हम खुशी मनाएं या फिर उनके साथ गम में शरीक हो जाएं। चलो कोई बात नहीं, श्रीलंका के साथ हम हैं, श्रीलंका टीम वेल प्लेड, आप एक अच्छी टीम हो, हम आपकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आज तक मैंने कभी भी श्रीलंका को कुछ कहा हो तो मैं माफी मांगता हूं श्रीलंका के सारी टीम से और उनके सारे लोगों से। कभी भी कुछ भी मीम्स बनाया हो या कुछ भी उनके अगेंस्ट बोला हो तो आज मैं अपने दिल से दोस्तों उनसे क्षमा मांगता हूं। श्रीलंका की टीम दोस्तों वेल प्लेड, बहुत मेहनत कर रही है वो, जैसा भी है दोस्तों। हम अपनी टीम की बात करेंगे दोबारा आके भाई, हमारी टीम भाई माशाल्लाह भाई, हमारी टीम जो है वो तूफान है, वो तूफान है भाई। बैटिंग नहीं हो रही थी आज, तूफान आया हुआ था भाई, तूफान आया हुआ था भाई, तूफानी बैटिंग जो कहते हैं ना कि तूफानी बैटिंग और ये वो। तो भाई मुझे आज तो सबसे ज्यादा गुस्सा मेरे को मैच के दौरान जो कमेंट्री कर उनके ऊपर ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि भाई वो इतनी स्लो कमेंट्री क्यों कर रहे थे भाई, आज तो ऐसा दिन ही नहीं था भाई। क्या सेंचुरी थी भाई, शुभराम गिल लव यू मेरे भाई, शुभराम गिल ने भी भाई जो है, सबसे पहले तो स्टार्टिंग तो रोहित शर्मा सर से हुई थी, जरा स्कोर बोर्ड पे आते हैं दोस्तों। आज रन इतने बने साला अपने बेजे और कोपड़ी में याद ही नहीं है भाई, कितने चौके कितने चक्के पड़े कोपड़ी में, आज हमारी मेमोरी कार्ड जो है फुल हो गया भाई। विराट कोहली की सेंचुरी के साथ साथ अपना डेटा जो है ना वो फुल हो गया भाई। रोहित शर्मा ने 49 पे 42 रन बनाए, 2 4 और 3 6 मारे भाई, लव यू रोहित शर्मा, हिटमैन जबरदस्त उन्होंने स्टार्टिंग की आज। उसके बाद शुभराम गिल, अरे शुभड़े लव यू शुभड़े, चाह गया रे शुभड़े, बहुत सारा प्यार भाई। शुभराम गिल ने 97 पे 116 यानी कि 116 रन बनाए हैं और भाई साहब साथ में 14 चौके मारे हैं भाई, 14 4 मारे हैं और 2 6 मारे हैं। तो कुल मिला के इनिंग्स में दोस्तों 3 6 रोहित शर्मा सर के थे और 2 6 शुभराम गिल के थे। और उसके बाद दोस्तों आए अपने रियल किंग भाई, दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर भाई विराट कोहली भाई, लव यू। वो मेंढक चर्सी बोलता है कि विराट कोहली को अब जो है वो रिटायरमेंट लेनी चाहिए T20 से, अब होम ग्राउंड प्लेयर हो गया है काफी, कब तक? अरे मेरे भाई तुम्हारे ये एक विराट कोहली तुम्हारे 11 के 22 पे ज्यादा भारी पड़ेगा, तुम्हारे 22 पे ज्यादा भारी पड़ेगा। तो भाई
किंग विराट कोहली ने 110 बॉल्स पे 166 रन छापे भाई। अरे भाई साहब, और 166 रन के साथ 13 चौके और 8 सिक्स मारे और दो प्लेयर को जख्मी कर दिया। अरे भाई साहब, आग लगी हुई है मेरे अंदर। आज तो 200 सच बोल रहा हूं, मेरे पॉकेट में जितने पैसे होंगे सबका घर वालों को खाना खिलाऊंगा, दबा के खिलाऊंगा, बाहर लेके जाऊंगा, जो चीज बच्चे मांगेंगे, जिस खिलौने पे हाथ रखेंगे वही खिलौना दिलाऊंगा। साला सारा पैसा बर्बाद कर दूंगा, भिखारी बन जाऊंगा, सड़क पे आ जाऊंगा, कटोरा उठा लूंगा, भीख मांग लूंगा। लेकिन खुशी इतनी ज्यादा हो रही है, इतनी खुशी दोस्तों, इतनी खुशी इतनी खुशी इतनी ज्यादा खुशी दोस्तों, ऐसा कौन करता है मेरे भाई, ऐसा कौन करता है। पाकिस्तान भी लाइक, यार हमारा पीएम ले जाओ, विराट कोहली को भेज दो, हमारा कोच बना दो। इतनी खुशी भाई साहब, बता नहीं सकता दोस्तों। आई लव विराट कोहली भाई, अनबिलीवेबल भाई, अमेजिंग बैटिंग भाई, मुंह से जाग निकल रही है साला, खानों से उल्टी आ रही है मेरी। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, दीवार से सर फोड़ू क्या, क्यों फोड़ू भाई। अभी न्यूजीलैंड वालों को भी तो छोड़ना है, उनको भी रगड़ना है। ऑस्ट्रेलिया गोरे साले पुराने दुश्मन, उनको भी रगड़ना है। तो भाई उसके बाद आए श्रेयस अय्यर, उन्होंने जो है थोड़ा बहुत कॉपी कर रहा था विराट कोहली का। लेकिन अच्छा है, उन्होंने भी 32 पे 38 छापे, दो चौके और एक सिक्स मारने के साथ ही वो चलते बने ग्राउंड से। और फिर उसके बाद आए जो है वो केएल राहुल ने जो है उसका मन ही नहीं कर रहा था खेलने का भाई, जब इतने सीनियर प्लेयर खड़े हुए हैं स्ट्राइक पे तो हमें क्या, तो बस वो आंखें बंद करके मार रहा था भाई। एक चांस मिला तो उसको फिर भी जो है वो समझ में नहीं आया, दूसरे पे आउट हो गया। तो दोस्तों उसने 6 बॉलों पे 7 रन के साथ एक छक्का मारा और चलते बने। और उसके बाद आए सूर्य कुमार यादव, सॉरी भाई सूर्य कुमार यादव भाई, आपका डाई हार्ट फैन हूं, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में मुझसे भी कोई बड़ा फैन होगा सूर्य कुमार यादव का, ये मैं गारंटी के साथ ये बात कर रहा हूं। और जिंदगी रही तो इसको दोस्तों, इस चीज को मैं आप लोगों को प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, कभी भी जिंदगी में मौका मिला मैं ये चीज प्रूफ करके दिखाऊंगा कि सूर्य कुमार यादव का कितना बड़ा डाई हार्ट फैन हूं मैं। लेकिन सॉरी मेरे भाई, मेरे जिगरे मेरे दिल के टोटे, आज तेरी खुशी बिल्कुल नहीं हो रही थी जब तू ग्राउंड में आया और जब तू स्ट्राइक पे आया, तो मेरे को बिल्कुल, मेरा दिमाग, मेरी आंखें सब विराट कोहली पे लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि बस क्या ही बताऊं भाई, क्या ही बताऊं, आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और अक्षर पटेल भी 2 बोले पे 2 रन्स बनाए, तो बेन स्टोक मैंने देखा ही नहीं कि अक्षर पटेल भी आया या नहीं आया, मैं इतना ज्यादा बिजी था दोस्तों मैच देखने के साथ साथ ना, मैं जल्दी जल्दी पिक जो है कलेक्ट कर रहा था और मैं जल्दी जल्दी जो है वो थंबनेल्स बना रहा था, इतना मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि अक्षर पटेल बाबूजी भी आए हुए हैं, वो भी खेल रहे हैं। तो मेरे को ध्यान ही नहीं रहा बाबू का। तो दोस्तों सबसे बेस्ट जो आज खेले हैं ना, हमारे 3 प्लेयर जबरदस्त खेले हैं, और रोहित शर्मा सर अच्छा खेले हैं 3 छक्के और 2 चौके के साथ। उसके बाद शुभराम गिल जो है भाई, सबको शुभराम गिल की खुशी हो रही थी कि शुभड़े। तो भाई जब विराट कोहली ने आतंक मचा दिया तो शुभराम गिल दिमाग से निकल गया, लेकिन हम नहीं निकालेंगे शुभराम गिल को भी भाई, उन्होंने भी 116 रन 97 पे बनाए हैं और 14 छक्के 2 सिक्स भाई। विराट कोहली भाई 1.5 सेंचुरी 74 लव यू मेरे भाई, दिल खुश हो गया भाई, दिल खुश हो गया भाई, आज मुझे इतनी खुशी हो रही है इस मैच पे दोस्तों, इतनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकता। लेकिन दोस्तों इस बात को दिमाग में रखना कि जितनी ज्यादा खुशी हो रही है मुझे, उतना ज्यादा मैं मैच के बीच में सैड हुआ था जब वो हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था श्रीलंका के 2 प्लेयरों के बीच में, वो रोकना चाह रहे थे, विराट कोहली का 4 रोकना चाह रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि दोस्तों 4 भी हो गया और उनको इंजुरी भी हो गया। चलो हम उनके लिए दुआ करते हैं, प्रे करते हैं, वो जल्द से जल्द कम बैक करें दोस्तों। और